तो अभी कैट हो गया अपने पास दो ऑप्शन या तो रोते रहे तो अगले साल की, की तैयारी स्टार्ट कर देंटर्जी so, मतलब मेरा है नहीं सिखाना। को आती नहीं है आई वॉन्ट टू नो हाउ टू गेट मार्क्स एंड पिकिंग अप दॉपिक विच इज नॉर्मली इग्नोर बाई एवरी वन यार बॉड मार्स हर बच्चा इग्नोर करके जाता है जबकि अभी हर नॉन कैट एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन बॉर्ड का आता जाता है ठीक है तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है फॉर ऑल द नॉन कैट एग्जाम्स नॉन कैट एग्जाम ओमैट जिसको बोलते हैं अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर कैट आई एम डिवाइडिंग टू फेज फेज वन एंड फेज टू ठीक है फेज वन कंटेन द एग्जाम जो अभी स्नैप एनमेट आई एफ टी एग्जाम अभी जैट एग्जाम जो अभी होने वाले हैं इसका बेस्ट पार्ट क्या है इसका सारा जीडीपीआई आई सब खत्म हो जाएगा मार्च तक एग्जाम आर गोइंग तो टू बी इन दिसंबर दिसंबर में आपके एग्जाम रहेंगे ZAT सबसे लास्ट फर्स्ट वीक में एंड मार्च में आपका जीडीपी डी अप्रैल आई देगा में तुम्हारी एडमिशन फिर आ गया फेज टू फेज टू कंटेन एग्जाम विच आर सी सीमेट एंड तीनों सरकारी एग्जाम तीनों लेट लेट मतलब इसका एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में इमेजिन यहां पे तुम्हारी एडमिशन हो रही है अप्रैल में इधर तुम्हारा एग्जाम हो रहा है एंड एडमिशन होगा जून जुलाई अगस्त सितंबर में

ठीक है एंड स्नैप ओके सो दिसंबर जैन दिस इज द आइडल टाइम टू पिकअप फॉर सी बिकॉज कैट में काफी बच्चों क्या लगता है कि वो लेट हो गए थे तो बिकॉज आपका कैट लेट हो गया प्रिपेयर नहीं कर पाए अभी टाइम है आइडियल टाइम है सीई टी सी लो ठीक है नहीं तो प्रॉब्लम पता क्या आएगा नहीं तो फिर वापस कैट अगले साल आएगा कैट तेईस अगेन यू हैव टू वेट फॉर वन ईयर अगेन आफ्टर कैट एग्जाम हम यही गाली लोज कर रहे होंगे कैट बेकार था कैट में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ठीक है का एग्जाम का डेट इज ओवर आई थिंक का छोड़ के बाकी सबका डेट इज ओवर जैड इज नंबर थर्टी एंड इनका अभी तक डेट आया ही नहीं ऑल दीज डेट बोथ एडमिशन आर फॉर सी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बैच ओके एनमेट में एक विंडो और खोल लीजिए जिसने रजिस्टर नहीं किया कैन दी आल्सो डू इट एनमेट का हो सकता है क्या जिसने अभी तक रजिस्टर ना किया हो माई कैट भी है यस वी कैन गो फॉर द माई कैट एज वेल ठीक ऑप्शन है हमारे पास टेंशन ना लो ओके okay.